जय हिंद दोस्तों मैं नेम इस कृतिका हम घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आज के वीडियो में हम मॉरियन एज के बचे हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स से डील करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ तक देखा था आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु धर्म ऑन ट्रिपलेक्स बेसिस ऑफ लोंगेमिटी लिबर्टी एंड कंपेशन सो ऐसा कौन सा रूलर था जिसने राज धर्म स्टैब्लिश किया था बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स तो आंसर है अशोका देखिए अशोका ने एक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पॉलिसी अनाउंस की थी जिसको बोलते हैं धम्म नीति आज के डेट में उसे धर्म पॉलिसी बोल सकते हैं धम्म नीति विच वॉज टू बी फॉलोड बाय कॉमन पीपल देखिए जो अशोका का धन नीति था ना दैट वॉज बेस्ड ऑन दी एथिकल प्रिंसिपल एंड इट वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी या रिलीजन वो रिलीजन स्पेसिफिक और कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं था बट इट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी ओके एंड उनके जो uh, किस बेसिस पे था वो लॉन्गेमिटी लोंगेनेमिटी बेसिकली पेशेंस एंड एंड्योरेंस होता है यू you नो know, श्रम के साथ काम करना परसिवरेंस को बोलते हैं लोंगैनीमिटी लिबर्टी ओके एंड कंपैशन ये तीनों प्रिंसिपल पे होना चाहिए जो धर्म नीति थी ये डिक्लेयर किया था अशोका ने नेक्स्ट है विच वन विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोक एम्पायर देखिए हमने कल मैप की मदद से देखा था कौन सा पार्ट नहीं था एंड इस इन ऑप्शन में से श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अशोका बाकी कौन थे चोला पांड्या सत्यापुत्त सत्यापुत्र केरलापुत्र एंड ताम्रपानी ताम्रपानी बेसिकली श्रीलंका में एक रिवर है उसका नाम था ये मौर्य रे, रेन का पार्ट नहीं था इसके साथ साथ हमने मैप में ये भी देखा था कि जो करेंट डे आसाम है दैट वॉज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ मॉरियन एम्पायर नेक्स्ट है विच वन टेरिटरी वॉज नॉट अ पार्ट ये सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका अशोका मैंशन हैज़ बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स कौन से इसमें साउथ इंडियन किंग का मैंशन है सो ऑप्शन नंबर बी सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट अभी तक हम कुछ फोर्टीन रॉक एडिक्ट मिले हैं अशोक, अशोका के ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था उसका जो रॉक नंबर सेकंड है वो बताता है कि देवर पांड्यास सत्यपुत्ता केरला पुत्ता एंड ताम्रपानी किंगडम ऑफ द साउथ इंडियन एंड अगर आपको याद होगा थर्टींथ रॉक एडिक्ट क्या बताता है कलिंग वॉर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ट बाय इट वॉज बिल्ड बाय अशोका देखिए अशोका इज़ द वन जिसने इंडिया का सबसे पहला हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन बनवाया था अलॉन्ग विद दैट उन्होंने पब्लिक गार्डन गार्डन फॉर मेडिसिनल हर्ब्स भी बनवाया था ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज डिगिंग ऑफ वेल कुआ के लिए भी उन्होंने चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी अलॉन्ग विद दैट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर शेड्स शेड्स के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज लगवाए थे ऑल्सो ही क्रिएटेड अ सेपरेट मिनिस्ट्री टू टेक केयर ऑफ अबोजिनीस पीपल एंड सब्जेक्ट रेस इन इंडिया जो अलग अलग ट्राइब के लोग हैं या फिर वो रेस जो आ, इंडिया को बिलोंग नहीं करते बाहर से आए हुए हैं उनकी भी टेक केयर करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री पाई जाती थी अशोका के समय पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पाइट ऑफ बींग बुद्धिस्ट अशोका डिड नॉट लीव बिलीव इन हिंदुइज़्म वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज देखिए जो एपिथेट ऑफ देव नाम प्रिय है जो उन्होंने आ, टाइटल रखा था अशोका ने देव नाम प्रिय या फिर देव नाम ये ये जो टाइटल है इसका मतलब होता है बिलविड ऑफ गॉड इसका सेकंड मीनिंग है कि हैंडसम बाय लुक्स बट जनरली ये टाइटल वो यूज करता है जो गॉड पे बिलीव करता है सो so, इन सब इ, इसके कारण हमें ये ऐसा पता लगता है दिस इंडिकेट्स दैट हिज बिलीफ इन हिंदू हिंदू रिलीजन

उनके जो चेयरपर्सन थे इस काउंसिल के वो थे मुगली पुत्र तीसता ओके ही वॉज अ फेमस बुद्धिस्ट मैंडिकेट नेक्स्ट है अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट बताइए अशोका के समय पे बी पाटलिपुत्र एंड दिस वॉज द थर्ड वन द फॉलोइंग मॉरियन रूलर वर द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म सो इसका आंसर है अशोका एंड उनके जो ग्रैंडसन थे दशरथ ये दोनों बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो देखिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में ऐसा ऐसा प्रूफ दिया गया है कि ही यूज़ टू पैट्रोनाइज़ जैन जैन के लिए वो डोनेशन कलेक्ट करते थे जैन मोंग्स को पैट्रोनाइज़ करते थे बट लैंड ग्रांट्स नहीं दिया जाता था जस्ट उनको प्रमोट किया करते थे बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि वो जैन पूरी तरीके से जैन रिलीजन फॉलो करते थे बट जो बिंदुसार है बिंदुसार बेसिकली फॉलो करते थे अजीविका सेक्ट ओके सो बिंदुसार वर्स फ्रॉम अजीविका सेक्ट एंड अशोका एंड उनके जो ग्रैंड थे दशरथ दे वर फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म देखिए इसके बारे में याद दिया है अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ वर फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म दशरथ ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था देवनाम एज हिज ग्रैंड फादर अशोका नेक्स्ट क्वेश्चन है रजुकाज वर देखिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे एडमिन ऑफिसर्स उनको हम बोलते थे दे वर द दफिसर्स ऑफ उफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन देखिए रजूका जो थे वो स्पेसिफिकली रूरल एरिया के ऑफिशर्स थे ओके हु यूज टू वर्क एज अ सर्वेयर जो सर्वे किया करते थे अलॉन्ग विथ सम जल फशन उनको मिला करता था एज वेल एज जो लैंड का एंड टैक्स का असेसमेंट होता था ये ड्यूटी भी उनको मिलती थी सो रजुकाज जनरली रूरल रूरल एरिया के ऑफिशियल्स थे अंडर मॉरियन एम्पायर और इसके बारे में हमें पता कहाँ चलता है फ्रॉम द एडिक्ट अशोका अशोका के एडिक्ट में भी रजुकास का मैंशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट वॉज सार्थवा सार्थवा क्या है सो बेसिकली सार्थवा कॉन वॉय ऑफ मर्चेंट ग्रुप ऑफ मर्चेंट को बोला जाता था सार्थवा द कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स व कॉल्ड सार्थवा विच वॉज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एडमिन देखिए जो अशोका का थर्ड एडिक्ट था थर्ड एडिक्ट में सिर्फ तीन ऑफिसर्स के नाम मेंशन है वो है युक्ता रजुका एंड प्रदेशिका ओके सो युक्ता युक्ताज वर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हु यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स टैक्स कलेक्टर बोल सकते हैं आप इनको रजुका के बारे में हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा है रजूका जो कि रूरल एरिया के ऑफिशियल्स uh, थे हु यूज टू वर्क एज अ सर्वेयर एंड कुछ तो भी uh, कुछ जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म किया करते थे प्रदेशिका प्रदेशिका बेसिकली टॉप ऑफिशियल थे ऑफ द डिविजन एंड यू कैन कंपेयर देम विद द करेंट डे डिविजनल कमिश्नर एंड इनका जो ड्यूटी था uh, बाकी सारे काम के साथ में ये सम जुडिशियल वर्क भी किया करते थे सो so, अगर इसमें पूछा गया है विच वर नॉट द पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिन सो ऑप्शन नंबर ए अग्रहरिका अग्रहरिका जो थे वो मौरियन uh, एडमिन के पार्ट नहीं थे नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय सो इट वाज बेसिकली बिल्ट बाय अशोका देखिए जो सारनाथ पिलर है वो पिलर है वो अशोका के द्वारा बनाया गया था इस पिलर के टॉप में ऑन टॉप ऑफ दिस पिलर द शेप ऑफ लायन इज बिल्ट जो कि करेंट डे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल सिंबल है दीज पिलर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑल कॉलम ऑफ द मॉडर्न एरा वॉज आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दैन स्टोन ऑफ चुनर सैन स्टोन ऑफ चुनर के द्वारा हम इसको कंस्ट्रक्ट किया करते थे सो सारनाथ पिलर बिल्ट बाय अशोका नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्तूपा सो बेस्ट अभी तक का जो है वो है सांची स्तूपा देखिए अगर आर्किटेक्चर के परस्पेक्टिव से बात करें जो स्तूपा ऑफ सांची है इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वन सांची का स्तूपा कहाँ लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एंड इट वॉज बिल्ड बाय अशोका इट वॉज इट वॉज अ फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स स्तूपा मोनिसट्रीज टेम्पल्स एंड पिलर्स एंड इस ये है थर्ड सेंचुरी बी सी का ओके okay, सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ऑन थर्ड uh, सेंचुरी बी सी में इसको बनाया गया था ना जो बरहूत का जो uh, स्तूपा है बरहूत जो कि uh, सतना डिस्ट्रिक्ट में है एम पी में बरहूत सांची एंड सारनाथ ये तीनों अशोका के द्वारा बनाए गए हैं ओके एंड जो सांची एंड बरहूत है वो डिस्कवर किया गया था एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा फिर एक स्तूपा है जो कि कृष्णा रिवर के पास में है दैट इज़ अमरावती स्तूपा जो कि गंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है ओके ये ये जो है ये अमरावती स्तूपा है जो आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश में आता है नेक्स्ट है लॉर्ड मैकेजी ने ट्रेस किया था अमरावती स्तूपा को इन सेवनटीन एक और स्तूपा है जिसका नाम है धमेक स्तूपा जो कि वाराणसी में है एंड जो धमेक स्तूपा है दैट वाज रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड एंड जो अमरावती वाला स्तूप है वो भी अशोका के द्वारा ही बनाया गया था सो so, साची सारनाथ बरहूत एंड अमरावती ये स्तूपा अशोका के द्वारा बनाए गए हैं एंड धमेक स्तूपा गुप्ता पीरियड का है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा अशोका हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा ऑप्शन नंबर डी अशोका नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है लिस्ट ऑफ प्लेसेस दे दिए गए हैं अलोंग विद द मॉन्यूमेंट्स के तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कोशंबी में घो सीताराम मोनेस्ट्री कुशीनगर राना भार स्तूपा सारनाथ में क्या है धमेक स्तूपा एंड श्रावस्ती में है साहित माहिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मेड वाराणसी एज हिज सेकेंड कैपिटल किसने से, वाराणसी को सेकेंड कैपिटल बनाया है देखिए वाराणसी जो था वो काशी महाजनपद का कैपिटल का था सिक्स सेंचुरी बीसी में उसके बाद जो हरियांग डायनेस्टी के रूलर थे बिम्बेसार बिम्बेसार को काशी डावरी में मिला था बिकॉज ही मैरिड महाकौशाल जो कि सिस्टर हैं प्रसन्नजीत की लेटर ऑन जो शिशुंग थे शिशुंग ने गिरीवराज राज को अपना कैपिटल बनाया था पहला कैपिटल एंड सेकेंड कैपिटल बनाया था वैशाली को बट किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं है कि वाराणसी को सेकंड कैपिटल किसने बनाया शिशोंग ने वैशाली को बनाया था बट एज़ पर यू पी करेक्ट आंसर इज डी सो वी विल गो विथ शिशोंग ओनली जिसने वाराणसी को सेकंड कैपिटल बनाया था बट ऐसा हो सकता है कि करेक्शन के बाद में नेक्स्ट एग्जाम में वैशाली आ जाए तो इफ़ इफ इफ द क्वेश्चन इज बीन आस्ट कि हु मेड द सेकेंड कैपिटल इज़ वैशाली सो आंसर वुड बी शीशोंग ओनली सो ये चीज़ आप याद रखिएगा नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ पिलग्रमिज एम्पर अशोका विजिटेड द फॉलोइंग प्लेस उन्होंने कौन सी राउट चूज की थी तो देखिए सबसे इसका ऑप्शन है करेक्ट डी सबसे पहले वो लुम्बिनी गए थे उसके बाद में सेकेंड वो गए थे लुम्बिनी के बाद में कपिल वस्तु देखिए ये जनरल ये ना बिल्कुल बुद्धा की लाइफ को अगर आप देखेंगे बुद्धा की लाइफ की जो क्रोनोलॉजी है बिल्कुल उस हिसाब से ये अशोका अपने पिलग्रमेज की जो धर्म यात्रा थी उन्होंने धर्म यात्रा उस तरीके से गए थे तो पहले लुम्बिनी जहाँ पे उनका उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु के पास है तो पहला लुम्बिनी सेकेंड कपिल वस्तु गए थे थर्ड वो गए थे बौद्धगया ओके जहाँ पे बुद्धा को निर्वाण प्राप्ति हुई थी उसके बाद में सारनाथ चौथा जगह जहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था उन, उनका फर्स्ट सरमन उसके बाद में ही वेंट टू कुशीनगर ठीक है एंड लास्ट वो गए थे श्रावस्ती so, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बुद्धा के लाइफ का जैसी क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी में जो एम्पर अशोका थे उन्होंने अपने कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज किया था

Uh, अभी वो कहाँ पा जा पाया जाता है मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में ये यूज किया जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसाइफ बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन सो ये जो स्क्रिप्ट है वो इंस्क्राइब कहाँ थी स्टोन टैबलेट में देखिए जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो फर्स्ट डिसाइफर्ड बाई द लेटर इंस्क्राइबड ऑन स्टोन टैबलेट किसने किया था सर जेम्स प्रिंसेप ने जो कि और उन, उन्होंने उन्होंने क्या डिसाइफर किया था द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन को नेक्स्ट इज द फर्स्ट कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट ये कौन थे जेम्स प्रिंसेप नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा देखिए टाइम एंड अगेन पूछा गया है अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप हु फर्स्ट हुई ब्राह्मी स्क्रिप्ट ब्राह्मी को किसने किया था जेम्स प्रिंसेप ने हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टडी अशोकन इंस्क्रिप्ट देखिए टाइम एंड अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन भी सेम है देखिए जेम, जेम्स जेम्स प्रिंसिप से ये तो पता चलता है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, का प्रयोग किया गया है बट प्री अशोकन ऐसे कौन से स्क्रिप्ट है जहाँ पे इसका ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया था सो इन इन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुराधापुरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट अनुराधापुरा श्रीलंका में इसके अलावा और कहाँ पा पाया जाता है पीपराहा सोहगोरा महास्थान ये तीनों चारों जगह पे ब्राह्मी प्रिय अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट पाई गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन देखिए प्रियदर्शी देवनामपिया पिया या देवनाम प्रियदर्शी ये सब नाम जो, जिसका मतलब होता है बिलविट ऑफ गॉड ये ये टाइटल किसने लिया था अशोका ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोकन स्टोन पिलर इज़ इनकरेक्ट हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है दीज आर हाईली पॉलिश देखिए जो अशोकन इंस्क्रिप्शन स्टोन पिलर था वो पॉलिश तो था ही एंड दीज वर मोनोलिथ मोनोलिथ का मतलब होता है सिंगल स्टोन से बना मोनो मतलब सिंगल लिथिक मतलब स्टोन सो सिंगल स्टोन से बना एक ही पत्थर का इस्तेमाल करके उसको काविंग की जाती थी सो so जो अशोकन स्टोन पिलर है वो मोनोलिथ हुआ करते थे सो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट द शैफ्ट ऑफ द पिलर इज टैपरिंग इन शेप टैपरिंग इन शेप मतलब एक तरफ से नैरो होना एंड विच वॉज करेक्ट सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है इसमें से सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट दीज आर द पार्ट ऑफ आर्ट आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर सो so बेसिकली ये जो थे ये डिस्टिंग स्कल्पचर के पार्ट थे स्कल्पचर के पार्ट थे ना कि आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर थे बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मैंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका देखिए ऐसे तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं बट इस इसमें करेक्ट ऑप्शन है मस्की मस्की के अलावा गुजारा मस्की नेतुर एंड उद्गोलम एडिक्ट जो है इसमें अशोका का पर्सनल नाम लिखा हुआ है और बहुत सारे एडिक्स में कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं जैसे कि देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी ये सब चीज़ें उनके जो टाइटल थे वो यूज किया था बट अशोका का नाम एज अशोका इन सारे एडिक्ट्स में लिखे गए हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका ऑप्शन नंबर डी द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की इसमें कर, इसमें भी सेम चीजें हैं तो ऑप्शन नंबर ए गुजारा द ओरिजिनल नेम ऑफ अशोका इस क्वेश्चन को हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में भी डील किया था द रूम दे पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क ऑप्शन नंबर ए बर्थ ऑफ बुद्धा देखिए अशोका जो है उन्होंने ही विजिटेड लुम्बनी इन द ईयर ऑफ दिस कॉरेशन राजा बनने के ट्वेंटी ही विजिटेड लुम्बनी टेंथ ईयर पे कहाँ विजिट किए थे टेंथ ईयर पे ही विजिटेड बौद्ध गया ओके ट्वेंटी ईयर पे वो लुम्बनी विजिट किए थे टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा द पिलर ऑफ रूमन दे वॉज

भबरू इंस्क्रिप्शन प्रूव करता है अशोका कि वो बुद्धिस्ट थे इन द सेम इंस्क्रिप्शन ही रिफर्स हिमसेल्फ एज अ पीयदासी राजा दैट इज मग पियदासी राजा मगधा दैट इज़ द किंग ऑफ मगधा सो भबरू इंस्क्रिप्शन भबरू पिलर इज़ द ओनली पिलर जहाँ पे अशोका ने खुद को क्या डिक्लेयर किया था एम्प्रर ऑफ मगधा नेक्स्ट है कालसी इज फेमस फॉर कालसी इज बेसिकली अ रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका कालसी कहाँ पे कालसी इज लोकेटेड इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इट इज फेमस फॉर अशोकन रॉक एडिक्ट एडिक्टेर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्पर अशोकाज रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड ये है कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका दैट इज किंग अशोका वॉज मैं अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्री ऑफ अशोका तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंगनहाली कंगन हाली बुद्धा स्तूपा जो कि कहाँ पे लोकेटेड है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमर रिवर गुल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कर्नाटका पे ये लोकेटेड है देयर इज अ स्टोन पोर्ट्री ऑफ अशोका अलोंग विथ हिज क्वीन जिसके नीचे लिखा हुआ है रान्या अशोका जिसका मतलब होता है किंग uh, अशोका uh, इस पोर्ट्री के नीचे लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अशोकन रॉक एडिक डिस्क्राइब्स द विक्टोरियन इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर देखिए कलिंगा वॉर के बारे में कौन सा रॉक एडिक्ट था रॉक एडिक्ट नंबर थर्टीन सो ऑप्शन नंबर डी द अशोकन मेजर रॉक एडिक्टच टेल्स अबाउट द संगम किंगडम तो ये था ऑप्शन नंबर सी रॉक एडिक्ट नंबर टू And rock edit number 13. ये दोनों में mention है कि एक पहली बात तो थर्टीन पे हमारा कलिंगा के बारे में एंड टू एंड थर्टीन दोनों में ये मैं अबाउट द संगम किंगडम ऑफ चोला पांड्या सतिया पुत्ता केरला पुता अलोंग विद द ताम्रपानी श्रीलंका ये सारे वैसे वो शहर है जो की मॉरन एम्पायर के पार्ट नहीं थे देखिये विच ऑफ दउथ किंगडम इज नॉट मैं अशोक इंस्क्रिप्शन चोला का मेंशन किया गया था सत्यापुत्र का भी एंड पांड्या का भी सो so, कौन सा नहीं था ऑप्शन नंबर डी सातवाहन विच ऑफ फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बैंड्स एनिमल सेक्रीफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग दैट प्रॉबेबली इंक्लूड अ बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल सो ऐसा कौन सा एडिक्ट था जहाँ पे एनिमल किलिंग को बैन किया गया था सो so, इसका आंसर है आंसर नंबर बी रॉक पिलर एडिक्ट नंबर फाइव नेक्स्ट है रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायस्टिटीज हैड डिप्लोमैटिक रिलेशन विद द डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट सो मॉरियन एम्पायर मॉरियन एम्पायर हैड द रिलेशन विद सीरिया एंड इजिप्ट इस क्वेश्चन को भी हमने स्टैटिक पोर्शन में देखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशंट इंडियन रैकेट हैज मैंस ड्यूरिंग द क्राइसिस क्राइसिस के लिए फूड ग्रेन हम स्टोर करते थे ड्यूरिंग फेमाइन वगैरह के समय पे जो कि यूज कर सके ये कहाँ पे मेंशन था सोहगरवा कॉपर प्लेट ऑप्शन नंबर ए सोहगोरा कॉपर प्लेट सोहगोरा कॉपर प्लेट नेक्स्ट है इन द मॉरियन पीरियड टैक्स इन्वेजन वॉज पनिश्ड विथ टैक्स इन्वेजन अगर कोई करता था तो इट वॉज इट वॉज अ डेथ पेनल्टी उसको मिलती थी मॉरियन के समय पर देखिए हमने स्टैटिक वाले पोर्शन में पढ़ा था कि मेगस्थीनी ने जो इंडिका लिखा था उसमें उसने म्युनिसिपल uh, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था पाटलिपुत्र टाउन किस तरीके से मैनेज करते थे उसमें पाटलिपुत्र वॉज गवर्न बाय थर्टी काउंसिल जो कि छह बोर्ड हुआ करते थे फाइव मेंबर्स ईच वाले सिक्स इंटू फाइव थर्टी ओके जो सिक्स बोर्ड था ना सिक्स बोर्ड वाज़ रिस्पांसिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स and this board made sure that every citizen must pay one tenth of their earning as sales tax to the government. the culprit were punished with a death sentence. so option number A was the correct option, correct answer. इस क्वेश्चन में लिखा है कौन से famous Greek ambassador Megastheni आए थे किसके एम्प्रेड के समय पे? so Chandragupt Maurya के समय पे पांच साल वो यहाँ पे थे और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका

अच्छे से डिटेल में फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा है सो so अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जाके देखिए द डिविजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इंटू सेवन क्लासेज ये कहाँ पे था अगेन ऑप्शन नंबर डी मेगेस्थनी के इंडिका की बुक थी उसमें लिखा गया था कि इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन क्लासेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिन ऑफ पाटलीपुत्र इज अवेलेबल इन बुक नेम इंडिका बाय मेगेस्थनी विच ऑफ दोर्स अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉरियन मैगस्थिनी इंडिका वेम ऑफ मैगस्थनी नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीसेन वॉज द फेमस इसमें हमसे हमको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है हरिसेन वॉज द फेमस पोइट ऑफ समुद्र गुप्त कोर्ट विच इज करेक्ट ही कंपोज दुप्तम ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने स्टैटिक uh, वाले पोर्शन में देखा है कि जो देव uh, चंद्र गुप्त जो नामक बुक है वो किसने लिखा था वो लिखा था विशाख दत्ता ने. Next, he was also an author of, uh, प्रयाग प्रशिष्टी विच इज करेक्ट प्रयाग प्रशिष्टी किसका पार्ट है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का सॉरी प्रयाग प्रशिष्टी इज द पार्ट ऑफ अलाहाबाद पिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मॉडर्न किंग दे डिवेलप कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी प्रोविंशियल डिविजन ऑप्शन नंबर डी किंगशिप ऑफ हिंदू कुश बट गोल्ड कॉइन जो था वो मौर्यन किंग के द्वारा प्रचलित नहीं किया गया था देखिए मौरियन एम्पर प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर जो चंद्रगुप्त का एम्पायर था वो स्प्रेड हुआ था फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड से ईरान से प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटका इन साउथ कर्नाटका का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ तक ये फैला हुआ था एक बंदे हैं जिनका नाम है स्मिथ स्मिथ फॉज अ हिस्टोरियन उन्होंने बताया था कि जो हिंदू कुश माउंटेन है वो भी स्ट्रेटेजिकली uh, इंडिया uh, का पार्ट था इट वॉज द स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया इसके अलावा एज पर जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है कि देवर फाइव प्रोविंस ठीक है जहाँ मोरियन किंगडम पे फाइव प्रोविंस थे जिसका नाम है उत्तर प्रथ उत्तर पथ अवंती रथ कलिंगा दक्षिण पथ एंड प्रच्यपथ एंड रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन गोल्ड कॉइन को रेगुलराइज किसने किया था इंडो ग्रीक किंग्स ने नेक्स्ट ऑप्शन है भाग एंड बली भाग एंड बली किससे रिलेटेड है दे आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यूज देखिए जो भाग है वो बेसिकली इट इज इट इज शेयर इन द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड बिकॉज अर्थशास्त्र में ये बोला गया है कि जो भी किंग होगा किंग विल बी द ओनर ऑफ द लैंड जितनी भी टेरिटरी है जितने भी एम्पायर की लैंड लैंड की टेरिटरी है वो सारा उसका ओनर कौन होगा सिंगल ओनर होगा किंग और जो वहां पे फसल करेंगे जो फार्मर द शेयर क्रॉपर होंगे उनको अपने शेयर के प्रोड्यूस शेयर करने होंगे उनको शेयर करने होंगे अपने प्रोड्यूस को किंग के साथ में तो उसको बोलते थे भाग एंड जो बाली है बाली के बारे में मैंने बहुत सारा सर्च करने की कोशिश की कि वॉट काइंड ऑफ टैक्स इट वॉज बहुत स्पेसिफिकली डिटेल तो नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी हर जगह यही मैंशन किया हुआ है कि बाली या बली इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मॉरियन किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड रेवेन्यू विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मॉरियन पीरियड वॉज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर तो देखिए सीता अध्यक्ष जो है सीता का मतलब सीता जो माता थी हमारे रामायण में उनको बोला जाता है कि वो धरती से निकली हुई थी सो so, सीता माता की जो मदर थी वो मदर लैंड थी तो जब भी लैंड से एसोसिएटेड कोई चीज़ होगी तो उस, उसको हम सीता से रेफर करते हैं मॉडर्न पीरियड में सो so, सीता अध्यक्ष मतलब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा सीता अध्यक्ष वॉज द हेड ऑफ़ एग्रीकल्चर लैंड इन मॉडर्न पीरियड एंड ही हैज ही ऑल्सो डेल्ट विद द लैंड रेवेन्यू लिविएशन और जो कि अग्रोना है अग्रोना वॉज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शुल्क अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष शुल्काध्यक्ष विल कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स अक्राध्यक्ष अत, अक्राध्यक्ष विल कलेक्ट दिल कंट्रोल द माइंड जो माइंड होता था कोयले की खदान वगैरह वो सब अक्राध्यक्ष मैनेज करेगा सो लैंड रेवेन्यू और कलेक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके में है सीता अध्यक्ष के पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड नेक्स्ट है

नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग मौरियन ऑफिसर सॉरी मौरियन ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सो इसका आंसर है पोटवा अध्यक्ष पोटवा अध्यक्ष मौरियन ऑफिसर पोटवा अध्यक्ष वॉज एंड मेजर्स और जो पांड्या अध्यक्ष अध्यक्ष होते थे पांड्या अध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट सीता अध्यक्ष हमने ऊपर डील किया है हेड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड शून्य अध्यक्ष वॉज द चीफ ऑफ स्लॉटर हाउस नेक्स्ट है पंडोका सनिरोध पंडोका सनिरोध वॉज द पेनल्टी एक टाइप की पेनल्टी लगाया करते थे इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो भी गंदगी फैलाता था या फिर कचरा फैलाता था या फिर रोड गंदा करता था तो उनको ये पेनल्टी देनी पड़ती थी सो ऑप्शन नंबर बी स्लशिंग द रोड पंडोका सनिरोध वॉज द पेनल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन फॉर थ्रोइंग डर्ट एंड और कॉजिंग मर्ड और वॉटर कलेक्ट्स ऑन द रोड रोड गंदा करने के लिए यह पेनल्टी लगा करती थी नेक्स्ट है द मो द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन देखिए मौर्यन के समय पे जो मेजर सेंटर था लर्निंग का वो था तक्षशिला एंड जो नालंदा था ये भी एक यूनिवर्सिटी थी ये ये गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड में इट वाज द फेमस वन बट अगर हम मॉरियन पीरियड की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर वुड बी तक्षशिला नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिलिय द फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड ऑप्शन धर्मस्थिया एंड कंटक शोधन ये दोनों जो थे वो कोर्ट से रिलेटेड थे धर्मस्थिया वॉज द एनोलॉगर्स ऑफ द मॉडल सिविल कोर्ट हुआ करता था एंड कंटक शोधन वॉज द मॉडर्न डे क्रिमिनल कोर्ट एंड जो ये धर्म महामंत्र है धर्म महामंत्र बेसिकली ऑफिसर्स हुआ करते थे मॉरलिटी के लिए एंड जो रजुका है देवर द ऑफ द रूरल एरिया इन मॉरन एज नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूडे इज कंटिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ मॉरियन मॉरियन के समय से ऐसा क्या है जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स देखिए रजिस्ट्रेशन कौन करता था टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्न बाय द म्यूनिसिपैलिटीज ड्यूरिंग द मॉरन पीरियड एंड जिसके चीफ हुआ करते थे नगरक या फिर पूर्व मुखिया पुर का मतलब होता है शहर टाउन ठीक है so, सो पूर्व मुखिया मतलब टाउन का मुखिया टाउन का हेड हो जाएगा ओके सो so, जो चीफ है नगरक या पूर्व मुखिया ये टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे एंड जो छः दिप, छः डिपार्टमेंट्स बताए थे मैगस्थीनीज ने उनमें से एक डिपार्टमेंट था जो जो नगरक के अंडर आता था वो कमेटी बेसिकली डील करती थी विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ सर्टिफिकेट दिस जॉब इज स्टिल कैरिड बाई दिनिपल एडमिनिस्ट्रेशन ये हम अभी भी करते हैं ये हम सबको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स डायंसिटी हिस्ट्री एंड एपिक टेल्स वॉज अ प्रोफेसन सो बेसिकली ये जो मग, मगध के समय पर मगध एम्पायर के समय पर um, ऐसा ऐसा ये बेसिकली एक प्रोफेशन था कि जहाँ पे हमें क्रॉनिकल्स या फिर जो पुरानी हिस्ट्री है या एपिक टेल्स हैं रामायण महाभारत ये सारे चीज़ों को मगप करना होता था और याद करना होता था ठीक है तो ये बेसिकली एक प्रोफेशन में माना जाता था ड्यूरिंग मगध काल के समय पर नेक्स्ट so है द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाय सो करेक्ट ऑप्शन है बी द्रविडियन द्रविड चोला चोला के समय पे सबसे पहले सिस्टम बनाया गया था कि जो विलेजेस हैं वो ऑटोनॉमस इलेक्टेड इलेक्टेड पंचायत के द्वारा आ, आ, चलाए जाएंगे नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ इंडियन ऑफ एंशंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड तो ये अर्थशास्त्र में है इसमें लिखा गया है कि जो वाइफ है औरतों को ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती हैं अगर उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है एंड सेम थिंग अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि हस्बैंड कैन डू द सेम नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स री मैरिज इसका इसका आंसर है मनुस्मृति देखिए एज पर यू पी पी एस सी यू पी पी सी एस हो सकता है ये करेक्ट ऑप्शन है बट मैंने खुद मनुस्मृति के श्लोक पढ़े हैं एंड मनुस्मृति के श्लोक के इंटरप्रिटेशन की क्लासेस भी मैंने ली है सो so मैं आपको बता सकती हूँ कि मनुस्मृति में अगर आप जाएंगे तो आपको श्लोक मिलेगा श्लोक नंबर नाइन पॉइंट वन सेवन सिक्स एंड श्लोक नंबर नाइन पॉइंट वन सेवन फाइव ये दोनों श्लोक्स डील करते हैं कि विमेन जो है वो किस किस कंडीशन uh, पे री कर सकती है तो देखिए जो नाइन पॉइंट वन पॉइंट नाइन पॉइंट वन सेवन सिक्स है इसमें ये बोला गया है कि सेरेमनी सो बेसिकली जो पुराने ज़माना था उस समय पे uh, जो री हुआ करती थी उसमें आपको जो सेरेमनी होती है शादियों में वो दोबारा अलाउ नहीं था ओके okay? सो so, अगर आपको सेकेंड मैरिज करनी है चाहे लड़का है चाहे लड़की है सो ऑल दे हैव टू डू इज़ वो वाइफ के हाथ में सिर्फ चूड़ियाँ पहनाते थे एंड मैरिज प्रोसेस हो जाती थी बट अगर आपको प्रॉपर सेरेमनी करनी है मैरिज मैरिज में तो किस चीज़ में अलाउड है वो डील करता है नाइन पॉइंट वन पॉइंट नाइन पॉइंट वन सेवन सिक्स एंड नाइन पॉइंट वन सेवन फाइव श्लोक मनुस्मृति का इस पर डील करता है कि जो भी फर्स्ट हजबेंड से जो किड होगा उसके क्या राइट्स होंगे सो so देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मनुस्मृति में री मैरिजेस अलाउड नहीं है बट क्योंकि आयोग ने ये आंसर दिया है करेक्ट और ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत विवाद भी हुए थे बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए थे देखिए अभी अगर फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑफ कोर्स वी हैव टू सिलेक्ट मनुस्मृति बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल स्टेट इसाइन टू द फॉरनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु मनु ने फॉरिनर्स को क्या स्टेटस दिया है फॉरिन क्षत्री का द who इन्वेडर्स हु नॉट फॉलो custom कस्टम और ट्रेडिशन लाइक Kushan, Huns and एंड they were कॉल्ड फॉलन क्षत्रिय इन Manu Smriti. नेक्स्ट day, द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और द अदर इसको हमने करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है सो so, सबसे पहले तो मेगस्थिनी आए थे उसके बाद आए थे फायान फिर हुएसांग एंड देन टी सिंह देखिए मेगस्थिनी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे फायान केम ड्यूरिंग विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य हुएन सैंग आए थे हर्षवर्धन के समय पे एंड आय सिंग आए थे चाइनीज ट्रैवलर थे हु केम टू तो इंडिया इन सेवन सेंचुरी ए डी नेक्स्ट है इसमें मैच करना है हमें इनके ओरिजिनल नाम दिए हैं हुए हैं एंड अदर नाम से बुलाया जाता था तो देखिए हमें तो ये पता है कि अशोका जो है वो पियदर्शी है राइट चंद्रगुप्त चंद्रकोतस ओके बिंदुसार अमित्रागत एंड चाणक्य के बचपन का नाम क्या था विष्णुगुप्त नेक्स्ट है द लास्ट मॉडर्न एम्पर लास्ट मॉडर्न एम्पर कौन थे बृहद रथ ये हमने पढ़ा है इनको इनको असैसिनेट किया था ही वॉज असासीनेटेड बाई हिज कमांडर लेफ्टिनेंट पुष्य मित्र सुंग इन वन एटी फोर बी सी पुष्य मित्र सुंग स्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी कॉल शुंग डायनेस्टी नेक्स्ट है देखिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ये सारे ऑप्शन करेक्ट है तो वन बाय वन इसे देखते हैं द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदरथ वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग करेक्ट द लास्ट सुंग मौर्यन कौन थे लास्ट जिसका नाम था देवभूति देवभूति को किसने मारा था ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर जिनका नाम था वासुदेव कानवा एंड लास्ट कानवा को किसने मारा था ही वॉज डिपोज बाय आंद्रास देखिए द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी सुशर्मा वॉज डिपोज बाई हिज आंद्रियन सर्वेंट सिमुक नेक्स्ट है हु अमंग दूल रूलर्स पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट एरा क्रिश्चियन एरा के पहले किसने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम किया है सो आंसर वुड बी टू एंड थ्री अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य इसे हम डिटेल में भी देखते हैं फ्यू सेंचुरीज अगो बिफोर द क्राइस्टेरा मौर्य एम्प्रेस चं, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका फोकस्ड ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन गुजरात के आसपास की जगह की बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था इन्होंने डैम बनाया था ऑन सुदर्शन लेक और अशोका ने क्या किया था अशोका ने कनाल बनाया था ये हमने पहले पहले भी क्वेश्चन में देखा है और इसका मेंशन कहाँ किया गया है इसका मेंशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो कि रुद्रमंद के द्वारा लिखा गया था नाउ जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका के काम जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम किया है इन्होंने सुदर्शन लेक में और कनाल के लिए ये दोनों मेंशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ यह, ये भी मेंशन है कि जो रुद्रमंद थे शाका रूलर रुद्रमन जो थे ही ऑल्सो रिपेयर ऑल दीज लेक जो लेक बनाया गया था ना चंद्रगुप्त के द्वारा इसको रिपेयर किया गया था रुद्रमंद के द्वारा बट रुद्रमंद ने इस चीज़ को आफ्टर क्राइस्ट एरा किया था और हमारे को इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है बिफोर क्राइस्ट एरा अगर एरा के बात ना करें और सिर्फ ये लिखा जाए कि गिरनार रीजन में किसने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में काम किया है तो हमें ये तीनों ऑप्शन टिक करना पड़ेगा बट बिफोर क्राइस्ट एरा था इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है रियलाइजिंग द नीड फॉर वॉटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार रीजन ये ऊपर देखा है हमने चंद्रगुप्त मौर्य

इट ऑल्सो इंक्लूड्स दशोका की एडिक्ट तो वहाँ पे थे ही इसके अलावा इन्फॉर्मेशन थी कि चंद्रगुप्त ने डैम बनाया है इसके साथ साथ में uh, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमको ये भी बताता है द एडिक्ट ऑफ गुप्ता रूलर सकंद गुप्त के बारे में भी ये हमें बताता है देयर वॉज एन इंस्क्रिप्शन विद अ फोर्टीन एडिक्स ऑफ अशोक ऑन अ लार्जर बोल्डर्स विद इन टू किलोमीटर्स ऑफ ऊपर कोर्ट फोर्ट द एडिक्ट ऑल्सो नरेट द स्टोरी ऑफ सुदर्शन लेक्स देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से देखिए इंस्क्रिप्शन के बारे में एक बार मैं ये घटना चक्र सीरीज़ के हिस्ट्री का पोर्शन कवर कर देती हूँ एंड देन आई विल कम अप विद द लिस्टिंग कि कौन से इंस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं वो सारा मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दूंगी ताकि आपको एग्जाम के समय याद करने में आसानी रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में कवर किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें से इन करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढना है सॉरी uh, इसमें से करेक्ट कौन सा मैच है वो हमें ढूंढना है लोथल डॉकयार्ड ये तो करेक्ट था फर्स्ट सरमन बुद्धा ने सारनाथ में दिया है एंड नालंदा वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा के साथ साथ में तक्षशिला भी है तक्षशिला मॉर्न एज के समय पे फेमस था एंड नालंदा गुप्ता एज के समय पे आया है नाउ लायन कैपिटल ऑफ अशोका ये राजगीर में नहीं है ये है सारनाथ में ओके, okay. सो so, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हुआ वन टू एंड फोर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विद दिस क्वेश्चन मॉरन एम्पायर फ्रॉम घटना चक्र फिनिश हुआ वीडियो को दो से तीन बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे टिल देन कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग जय हिंद